कोरोना वायरस को लेकर लगातार जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को घेरा रखा है और 208 देशों की अगर बात करें तो लगभग 202 देशों में कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में सभी सरकारें सक्रिय हैं। केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, इस कोरोना वायरस को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति बना रखी है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए भी तमाम तरीके की कवायद शुरू की गई हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करें प्रवासियों की, जो लोग बाहर काम कर रहे थे और अब उन्होंने अपने घरों की तरफ को रुख करना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत बहुत दूर से आए हैं, कुछ पैदल आए हैं, कुछ योगी सरकार की जो 24 घंटे की रोडवेज सेवा, फ्री सेवा दी गई थी, कुछ उसके द्वारा आए हैं और ये लोग यहाँ CSC में इनको भेजा गया है पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर जांच के लिए, कि इनकी जांच हो और जांच में अगर किसी प्रकार का इनके अंदर कोई सिम्टम्स है तो उसको यहाँ आकर वेरीफाई किया जा सके और ये जाना जा सके कि आखिर जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं और इन लोगों में किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी जो है ये कोरोना से संबंधित लेके तो नहीं आए हैं। और लगातार डॉक्टर भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी आपको मुलाकात कराएंगे, लेकिन पहले इन आम लोगों से बात करते हैं कि इन्हें यहाँ तक आने में कितनी परेशानियाँ हुई हैं और किस प्रकार ये लोग यहाँ तक पहुँच पाए। भाई क्या नाम है आपका, आप बताओ। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन, कहाँ से आए हो आप? सिकोबाद से। क्या करते थे वहाँ पे? काम। अच्छा, कब चले थे वहाँ से? 3-4 दिन हो गए चलते हुए। पैदल आए थे? जी हाँ, पैदल आए हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हमें। कुछ खाने वगैरह का कोई सिस्टम नहीं? कितने दिन से खाना नहीं खाया? कितने दिन से यार क्या बताएं, चाय पानी पीना मुश्किल हो गया इस टाइम। 3 दिन से खाना नहीं खाया, पानी पीते आए यहाँ तक। कहीं रास्ते में कोई होटल कैंटीन दुकान कुछ खुला मिला? हाँ, बस चाय की दुकान खुली मिली थी, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो योगी सरकार ने बस की योजना चलाई थी, क्या उसका लाभ आपको मिला? नहीं मिला। तो कहाँ आपको उतरने का मौका मिला, कहाँ उतरे आप? हम यहाँ पर रामपुर द्राय उतरे थे, रामपुर चौराहे पे। जी, पैदल ही आ रहे हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए ट्रैक्टर ट्राली मिल गए तो उसमें बैठ के आए हैं, और वहाँ से फिर पैदल यहाँ तक आ पाए हैं। क्या स्थिति है जहाँ पर आप रहते थे, क्या मकान मालिक ने वहाँ रहने से मना कर दिया या फिर आपको खुद लगा कि हमें अपने घर पहुँचना चाहिए? नहीं, हमें लगा कि हमें अपना घर पहुँचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम उपलब्ध नहीं था ना, तो इसलिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम वापस आ गए घर। लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि दिल्ली के जो कारखाने मालिक हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, वो वहाँ के वर्कर्स हैं, उनको भगा रहे हैं निकाल के। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हम खुद अपनी मर्जी से आए, क्योंकि 4-5 दिन से कुछ वैसा सिस्टम नहीं हो पा रहा था हमारे साथ। अच्छा, दिल्ली सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम जो लोग कर्मचारी हैं यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनको ठहरने की, उनको यहाँ खाने की हर व्यवस्था कर रहे हैं, रहन बसेरे उनके लिए बनाए गए हैं, तो फिर आप लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि दिल्ली छोड़कर आप यहाँ आ रहे हैं? सर, हम दिल्ली से नहीं आए, सुखाबाद से आ रहे हैं। दिल्ली से तो काफ़ी और लोग आए हैं। क्या क्या करते थे वहाँ पे? हम वेल्डिंग का काम करते थे, वेल्डर हैं। आपका क्या नाम है भैया? मनोज। मनोज, आप कहाँ से आए? मथुरा। मथुरा, क्या करते थे मथुरा में? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग, तो यहाँ तक आप आए हैं, कहीं खाना वगैरह मिला? हाँ, खाना मिला। क्या खाया? यही पुलिस वालों ने पूड़ी वगैरह खिलाई थी। अच्छा, रोडवेज मिली थी? हाँ जी। बरेली से। कितने लोग आए हो आप? 2 लोग आए हैं। 2 लोग आए हैं, और ये बाकी जो यहाँ पे आए हैं, तो आप कहाँ पहुँचे थे? बॉर्डर पे पहुँचे थे? नहीं, यहाँ जब रामपुर में आप घुसे तो बॉर्डर पे पहुँचे? हाँ जी। तो क्या बॉर्डर पुलिस लेके आई आप यहाँ को? नहीं, हम गांव वाले सब बोले थे चेकअप कराना है, तो फिर हम सीधे इधर ही आ गए। तो कैसे चेकअप चल रहा है अंदर? अभी तक तो हमने देखा ही नहीं है क्या कर रहे हैं, चेकअप अंदर जाकर पता नहीं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार यहाँ जो है चेकअप चल रहा है, लगातार इन लोगों से ये पूछताछ की जा रही है कि जिस तरीके से ये यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके की इनके अंदर कमियाँ हैं, कोई बुखार की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खांसी या गले में खराज जैसी। डॉक्टर साहब भी लगातार अंदर जांच कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो सिम्टम्स यहाँ इन लोगों के देखे जा रहे हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं
और किस तरीके से इनके सिम्टम्स यहाँ चेक किए जाते हैं। डॉक्टर सतवीर जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लोग प्रवासी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, किस तरीके से इनकी जांच की जा रही है? इनकी जांच की जा रही है बाहर से जो आए हुए लोग हैं, जहाँ दिल्ली से है या फिर नोएडा गाजियाबाद से हैं या अदर स्टेट से आए हुए हैं, तो उसको एक संदिग्ध में सिम्टम्स के द्वारा फीवर बुखार होता है, झांसी होती है, यदि सीने में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यदि सिम्टम्स पाए जाते हैं तो जिले को रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में थर्मल स्कैनिंग की जो एक बहुत ज़रूरत है, और ऐसे टाइम में थर्मल स्कैनिंग से क्यों इनकी जांच नहीं की जा रही है? थर्मल स्कैनिंग नॉट अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से जिले पे अवेलेबल है। तो किस तरीके से सिम्टम्स से आप ये वेरीफाई करते हैं कि ये मरीज़ जो है वो संदिग्ध है? यदि मरीज़ को बुखार लगातार 14 दिन तक है, पहले ऐसे आ रहा है, या बुखार या खांसी लगातार आ रहा है, गले में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को जिले के स्तर पर रेफर कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सतवीर जी ने बताया कि सिम्टम्स के द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है कि मरीज को किसी प्रकार का फीवर तो नहीं है, मरीज के अंदर किस तरीके के लक्षण हैं, उन लक्षणों की जांच के बाद अगर ये वेरीफाई हो जाए कि उसके सिम्टम्स कुछ गड़बड़ा रहे हैं या उसको बुखार की या गले में खराश जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ज़िले में जो है रेफ़र किया जाता है। लेकिन अभी तक जितनी जानकारी हमें मिली है, थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है और लगातार पूरी कोशिश ये की जा रही है कि किसी प्रकार का संदिग्ध किसी क्षेत्र में ना घुसे, किसी प्रदेश में या किसी ज़िले में प्रवेश ना करे, क्योंकि एक संदिग्ध पूरे शहर की स्थिति गड़बड़ा सकता है, और उसी संदिग्ध के कारण जहाँ से वो ट्रैवल करता है, जहाँ तक वो पहुँचता है, सब लोग उस संदिग्धता के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे में थर्मल स्कैनिंग का ना होना, CSC पर थर्मल स्कैनिंग का ना होना, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन अब देखना यही है कि जिस तरीके से लगातार प्रवासी यहाँ आ रहे हैं और लगातार उनकी जाँचें की जा रही हैं, और पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से बॉर्डरों पर खड़ी है और जो लॉकडाउन की स्थिति है उसका सख्ती से पालन कराने में लगी है, तो ऐसे में जो कोरोना वायरस की स्थिति है वो कब तक सुधार में आ सकेगी और कब तक ये कोरोना वायरस हमारे देश के ऊपर जो संकट बनकर आया है ये कब तक संभलने में और कितना समय लेगा? कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी TV, रामपुर।